तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच, सीएम भजन लाल शर्मा ने दिया आदेश। 23 से 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी प्रसाद की जांच, 14 बड़े मंदिरों से शुरू किया जाएगा जांच अभियान। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू की जांच हुई। मंदिर प्रशासन ने प्रसादम सेंटर जाकर की लड्डू की जांच, प्रसाद की क्वालिटी और पवित्रता की जांच की गई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट कराया गया, प्रसाद में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली। तिरुपति लड्डू विवाद में एक्शन में केंद्र सरकार, जेपी नड्डा ने सीएम नायडू की से मांगी रिपोर्ट, कहा मिलावट की जांच फसाई करेगी और कानून के दायरे में होगी कार्रवाई। प्रसादों में मिलावट के विवाद के बाद टीडीडी की वेबसाइट पर दावा, लड्डू की गुणवत्ता को सही कर दिए जाने का किया गया दावा। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक्स पर लिखा प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। राहुल ने लिखा भगवान बालाजी लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता, ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहनता से गौर करने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मांग, पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े मुद्दों के लिए अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। देश की जनता से पवन कल्याण की अपील, सनातन धर्म का अपमान रोकने के लिए एकजुट हो। आरोपों पर पहली बार बोले वाईएसआरसीपी चीफ जगनमोहन रेड्डी, सीएम नायडू राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट के आरोप लगाकर सीएम नायडू अपनी नाकामी से ध्यान भटकाना चाहते हैं, जगनमोहन रेड्डी का आरोप। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंचे बीएमसी के अधिकारी, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हुए जमा, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। आज से 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड समिट और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सबसे पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी पहले दिन क्वाड नेताओं के साथ चौथे शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। डेलावेयर में के वेलिंगटन में आयोजित हो रहा है सम्मेलन, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तैयार, भविष्य के शिखर सम्मेलन यानी SOTF में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। अमेरिका के डेलावेयर के आर्कमेरी अकादमी में भी क्वाड सभा में के कार्यक्रम यहीं पर होगा, कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम और रात्रि भोज। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड की प्रसिद्ध इंडोर एरिना में कल पीएम मोदी का कार्यक्रम, नासाओ वेटर्न्स मेमोरियल कोलिजियम में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज दिल्ली की सीएम के तौर पर शपथ लेंगे आतिशी, उपराज्यपाल वी के सक्सेना शाम 4:30 बजे एलजी हाउस में लाएंगे शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी लेंगे शपथ, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। शिमला के नरवा में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, नरवा बाजार से डुंडी माता मंदिर तक निकाली रैली। हिंदू संगठनों की मांग, मस्जिदों के अवैध निर्माण हटाए जाएं, दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोगों की जांच हो। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड चली गोलियां। रियासी में सर्च ऑपरेशन चला रहे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किया दावा, बोले लोग उत्साहित हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सैनी के निशाने साधते हुए कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। राहत बेग की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक, कहा बीजेपी बस यादव मुसलमान को ही टारगेट करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप, कहा हार के कारण बौखला गए हैं योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट और ताला खाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई, कोर्ट में दिया आवेदन। सीबीआई के कोलकाता के सियालदह कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी, कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने में जुटी है सीबीआई। पटना के दानापुर में भारी बारिश तो बिगड़े हालात, कई गांवों में बने बाढ़ के हालात। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट लाइन पर किम रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, अप लाइन ट्रैक पर खुला मिला फिश प्लेट। ट्रैकमैन के अलर्ट रहने के चलते हुआ बड़ी साजिश का खुलासा, आज सुबह 5 बजे ट्रैकमैन ने खुला पाया फिश प्लेट, पास में फेंकी मिली फिश प्लेट की चाबियां। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी गाड़ियों को टक्कर, कई लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप की गई।
आज और कल ठप रहेगी मोबाइल इंटरनेट परीक्षा के वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट ठप रखने का आदेश। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का क्या पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार समेत 2 संदिग्धों को भी पकड़ा। NIT पटना में आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा ने किया सुसाइड, छात्रा के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी किया बरामद। आज से 3 दिन पूरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगा SI, उस दौरान दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन, CM शिंदे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बोले CM शिंदे, महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी, PM मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छता अभियान। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता रन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।